नमस्कार मित्रों, कला किसी माध्यम की मोहताज नहीं है और इस समय आप सामने जो ये जो कलाकृति देख रहे हैं ये इस बात का सबसे जीता जागता उदाहरण है। ये जो कलाकृति जो हम देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कितने शानदार रंगतें इसमें आ रही हैं, कितने अच्छे से रंग भरे होंगे इस कलाकार ने, पर बड़ी रोचक बात है कि ये रंग भरे हुए नहीं हैं, ये रंग हैं ही नहीं, ये कपड़ा इस कैनवास पर लगाया गया है। अलग अलग रंगों के कपड़े की कतरनों को लेकर के ये कलाकृति सज्जित की गई। तो चलिए इन्हीं कलाकृतियों के जादूगर उस कलाकार से मिलते हैं, श्री इकबाल जी। इकबाल जी, स्वागत है आपका। यार आपने बड़ा ज़ोरदार काम कर रखा है, कुछ बताएं इस कला विधा के बारे में थोड़ा सा। इकबाल खान जी, ये तो आप कलाकृति देख रहे हैं, ये दरअसल कपड़ों की कतरन से बनी हुई है। अच्छा, तो ये इसलिए मैंने मतलब इसको दिया है कि एक तो कतरने कितनी हिंदुस्तान में बची होंगी, कितनी व्यर्थ जाती होंगी, जला दी जाती होंगी या फिर कहीं कचरे में फेंक दी जाती होगी, लेकिन मेरे को लगता है कि इसको दोबारा काम में ली जाए। इसको मैंने रिसाइकिल किया, दोबारा काम में ले करके इसकी कलाकृति तैयार की है, दोबारा उसको काम में ले लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें रंग का कोई फाउंडेशन नहीं है कि रंग बाजार में केमिकल रंग आते हैं उसका एक फाउंडेशन होता है कि भाई रंग इतने ही, लेकिन इसमें रंग बहुत अनंत है, अनंत रंग होते हैं, हर कपड़े का अपना एक रंग होता है। पर लेकिन मेहनत आपकी बहुत होती होगी उस संबंधित रंग की। इंसान से ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा, एक जो मजदूर है उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करते। बहुत बढ़िया बात कही, वाह, है ना, वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हम कलाकार इतने, ये कला को मेहनत की काम है, हमें कला को मेहनत को देना ही पड़ेगा, ये कोई मैगी या नूडल्स नहीं है। दो मिनट बताइए यार, ये कला है, कोई मैगी या नूडल्स नहीं है जो झटपट बना कर देती है जी, मेहनत चाहिए। तो चलिए, आपने इस कला शिक्षा कहीं से अर्जित की है? जी नहीं, मैंने सिर्फ एम ए हिस्ट्री से किया हुआ है, इससे मैंने कोई शिक्षा नहीं ली है। और सबसे बड़ी बात यह है, रोचक बात यह है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, सिर्फ ये खुद के ही अभ्यास से। बहुत बढ़िया, चलिए, आपने अभ्यास के बूते अपनी इतनी अच्छी पहचान बनाई है, आज आप एक कतरन के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, कपड़े की कतरन हो या वो कागज़ की कतरने हो, और उनको लेकर के आपने जिस अच्छे तरीके से ये काम किया है वो वाकई सराहनीय है। तो आप अपनी ये जो आपके पीछे जो पृष्ठभाग में जो ये कलाकृति है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखो, ये एक राजस्थानी पोर्ट्रेट है, राजस्थानी व्यक्ति का पोर्ट्रेट है जिसको मैंने अपने अंदाज में बनाया है, उसको मैंने अपने अंदाज में बनाया है, पगड़ी भी मैंने अपने अंदाज में ली है, मुझे भी अपने अंदाज में बनाया है, तो राजस्थानी पोर्ट्रेट है जी। और ये जो दूसरी कलाकृति जो है आपकी, जो दो ये दो कलाकृति जो मेरे आसपास देख रहे हैं, ये प्रेम दर्शा रही है, ये वाले जो बच्चे गोद में ले रखी, दो भाइयों का प्रेम, अच्छा, उसको दर्शाया गया है मेरे। ये भी कपड़े की कतरन से ही, और दूसरी वाली जो कलाकृति आपके, अच्छा अच्छा, जो एक बच्चा है उसकी माँ है, उसकी मौसी है, साथ में बैठ कर के, अच्छा, ये प्रेम को दर्शाया है, बहुत सुंदर कतरन से। चलिए, उनको फाउंडेशन नहीं है, बहुत अच्छा, इसी में काम, इसी माध्यम में। तो आप कुछ अपने बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? बस सर, काफ़ी है, आप लोग मेरे लिए आए हैं, हमारे कला प्रेमियों के लिए कोई संदेश? बस मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर चित्रकला अगर आपके पास है तो आपको मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत करनी, उसको मैगी नूडल्स बनाना, बस। थैंक यू, चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।